मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो ला चुका हूँ आप सभी के लिए। तो आप वीडियो का एंड तक ज़रूर जुड़े रहना। हो सके वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ, एक AWS सर्टिफिकेट के बारे में, जिन जो लोग बिलोंग करते हैं जनरल कास्ट पे, और उनके लिए भी हमारे जो श्री प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐलान किया था। आप सभी को पता होगा कि जो जनरल कास्ट पे बिलोंग करते हैं उनके लिए भी 10% छूट मिलेगा, यानी 10% उनके लिए भी रिजर्वेशन मिलेगी। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में भी आ चुकी है, आप इसको बना सकते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर मेरे व्यूअर्स तो आपकी बहुत ही ज़्यादा वेलकम है कि मुझे आप लोगों ने इतनी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं मुझे वीडियो बनाने के लिए। अगर फ्रेंड्स मेरे चैनल पे जो भी आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं एडुकेशन से रिलेटेड और वेस्ट बंगाल से किसी भी एडुकेशन या किसी भी रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ। तो आइए आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना ही होगा AWS सर्टिफिकेट के बारे में, जिन लोगों को जनरल कास्ट पे जो बिलोंग करते हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट है। तो फ्रेंड्स, इन सर्टिफिकेट बनाने से क्या होगी, आपको 10% आपको रिजर्वेशन दी जाएगी, मीन्स आपको भी 10% छूट होगी। किसी को पता नहीं होगा कि AWS सर्टिफिकेट होती क्या है, तो आइए फ्रेंड्स मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, AWS सर्टिफिकेट ये है कि जिनकी तरह OBC ST या SC के जो जनरल कास्ट हैं, तो ये जो कास्ट होती हैं, मतलब इनको तो रिजर्वेशन मिल जाती है। किसी की 15% 7% OBC वालों की होती है, तो बेचारी जनरल वाले कहाँ जाएंगी। तो उन्हीं के सिलसिले पे प्रधानमंत्री हमारे इन योजना का आयोजन किया था, जिनकी इनकम 8 लाख से कम है जनरल कास्ट वालों की, उनको ये सर्टिफिकेट बनाने की मौका मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आइए पूरे डिटेल्स हम लोग जानेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप पूरे एंड तक देखेंगे तभी आपको ये समझ आएगी। तो आइए हम लोग पूरे एंड तक इस वीडियो को देखेंगे। तो फ्रेंड, अब बताते हैं आपको, ये वेस्ट बंगाल में प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया इस योजना को, लेकिन वेस्ट बंगाल में ये अभी तक हुई नहीं थी। तो हमारी जो श्री चीफ मिनिस्टर हैं, श्री ममता बनर्जी ने इसको पास किया, इस नोटिस को देख सकते हैं आप, 9 जुलाई 2019 को ये नोटिस पास किया था, और अब वेस्ट बंगाल में भी ये आ चुकी है। तो आप सभी ने बना सकते हैं, ये देख सकते हैं, नबन्ना हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक जो नबन्ना राइटर बिल्डिंग है हमारी चीफ मिनिस्टर की, वहाँ से ये नोटिस पास हुई है। तो फ्रेंड्स, आइए आप पूरी डिटेल्स को हम लोग पढ़ेंगे, ये वहाँ की नोटिफिकेशन से। मैं कोशिश करूँगा कि ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ कि आप भी फ्यूचर में पढ़ सकें। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि ये है क्या। तो फ्रेंड्स, बता दूं, AWS सर्टिफिकेट जो है ये किसके लिए नहीं है, द पर्सन हु बिलोंग आर नॉट कवर अंडर स्कीम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ SC और OBC सैल 10%। मतलब यहाँ बता रही है फ्रेंड्स, अगर आप SC या ST या OBC हैं तो ये फ़ायदा को आप नहीं ले सकते। ये बेनिफिट सिर्फ वही ले सकते हैं जो जनरल कास्ट में बिलोंग करते हैं। जिनके पास SC या OBC हैं आप, उनके लिए ये नहीं है। और तो आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे आगे क्या है कि ये आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं।
यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं फ्रेंड्स? सबसे पहले तो आप साइंटिफिक टेक्निकल सर्टेन पोस्ट अगर किसी भी स्टेट यानी आप वेस्ट बंगाल की किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी टेक्निकल कोर्स को करते हैं तो यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में आप इस सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आप जो यूज़ कर सकते ये है किसी भी ए ग्रेड सर्विसेज जो होती हैं या बी ग्रेड की वहाँ पे भी इस पोस्ट को आप मूल्यता इनको आप हासिल कर सकते हैं। इसकी बात सबसे मेन रह जाती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, तो मैंने इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको करनी होगी कि आप एससी एसटी या ओबीसी से ना हो, माने इन तीन कास्ट से ना हो तभी इन फ़ायदा को आप ले सकते हैं, यानी जो 10% छूट है उसी को आप पा सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स क्या बताया है, आपका एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। मान लीजिए अगर अगर आपकी मतलब 8 लाख से कम होनी चाहिए, जैसे कि आपकी आप जो इनकम करते हैं या आपकी फर्दर जो इनकम करते हैं या सब कुछ पूरा ऑल टोटल, ऐसी नहीं कि आप जैसे कि आप शहर पे रहते हैं तो आप शहर पे आप जैसे कि एक सिटी पे रहते हैं और आपकी गांव है वहाँ पे आपकी ज़मीन है, लेकिन वो सब सारा सैलरी बिजनेस प्रोफेशन आप जिस जिस फील्ड से हैं आपको सबका इनकम मिला कर आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए फ्रेंड्स। ये आपकी सबसे पहली पॉइंट है। और दूसरा जो मूल पॉइंट है वो ये रहेगी कि मान लीजिए एक जनरल कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, सबसे पहले तो अगर आपकी सबसे पहले तो आपकी कोई 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए, यानी कोई 5 एकड़ मैंने 5 कट्ठे की ज़मीन आपकी नहीं होनी चाहिए उससे ज़्यादा। उसके बाद अगर आप फ्लैट पे रहते हैं तो 1,000 स्क्वायर फीट की उससे ज़्यादा फ्लैट नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई ज़मीन वगैरह है किसी अगर म्यूनसिपलिटी एरिया में या शहर में तो आपकी 100 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा फिट अगर आप कहीं प्लॉट लेकर रखे हुए हैं या 200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा वो भी आपको नहीं। तो ये फ्रेंड्स ये जो आपको मैंने ये जो सारी पॉइंट बताई है ये आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर ये हुई तो आप इस सर्टिफिकेट की नहीं लाभ उठा पाएंगे, ये जनरल कास्ट के लिए है। और फिर एक पॉइंट है फ्रेंड, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपके पास यानी इनकम सर्टिफिकेट रहना ज़रूरी है, तो आपको ये भी बनवानी पड़ेगी। तो आपको देखिए क्या द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट अपॉन द प्रोडक्शन एसेट इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो ये जो आप एनेक्सेस सी में हम लोग देखेंगे कि अगर आप मतलब इनकम सर्टिफिकेट आपको बनानी होगी, अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल मजिस्ट्रेट से बनानी पड़ेगी, और या आप गांव में रहते हैं तो यानी विलेज टाइप में रहते हैं तो आपको एसडीओ ऑफिस से बनवानी पड़ेगी, या आप कोलकाता यानी कोलकाता में रहते हैं सिटी में कोलकाता सिटी में तो आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया से बनानी पड़ेगी। तो आपको ये एनेक्सिस सी क्या है फ्रेंड्स वो आपको दिख, तो फ्रेंड्स एनेक्स सी ये है देख सकते हैं, ये आपका ये जो फॉर्मेट है ये आपको है, यहाँ पे आपको सब कुछ फिलअप करना है और फिलअप करके जो मैंने आपको तीनों नाम बताया था अगर आप वहाँ जाके उसको आपको सबमिट करनी होगी। तो ये आप यहाँ पे अपना इनकम सर्टिफिकेट नंबर बोल देंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, यहाँ आप जो है आपका नाम या जिसके लिए बनवा रहे हैं वो सब। इसके बाद जो मैंने बताया था कि आप सभी को लिए मतलब जो वो 5 चीज़ें ना होना चाहिए, अगर आप ये 5 चीज़ें हुए तो आप इसकी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, ठीक है ना? आइए तब आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि एप्लीकेशन प्रोसीडियर क्या है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन प्रोसीडियर क्या है वो भी हम लोग आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एनेक्सी एक फॉर्मेट है, यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट तो बनानी होगी आपको, मैं बता दिया। और एप्लीकेशन फॉर्मेट क्या है ये फ्रेंड, एनेक्सी सी में आप देख रहे हैं एनेक्सी ए, ये फॉर्म लेकर आपको ब्लॉक, अगर आप ब्लॉक एरिया में रहते हैं तो आपको
वहाँ की ब्लॉक एरिया डेवलप ऑफिसर्स के पास जानी पड़ेगी। अगर आप किसी म्यूनसिपलैरिटी एरिया में रहते हैं तो आपको एसडीओ ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा, या आप कोलकाता एरिया में रहते हैं तो आपको DWS के पास जाना पड़ेगा। तो ये एनेक्सी फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, वो भी आपको आइए दिखा। तो फ्रेंड्स ये है एनेक्सी ए, जो आपको फॉर्म फिलअप करके आपको लेकर जाना पड़ेगा, जो जिसकी नाम मैंने बताया। यहाँ पे आपको सब कुछ फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ आप अपने विलेज, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ आप अप्लाई करेंगे। ये रिव्यू जो आपको समझना है आप अपने सीनियर से पूछ लेना, वहाँ पे जहाँ आप अप्लाई करने जाएंगे। ये इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेशन, यहाँ आप अपने पापा के, अगर आपके पापा भी इनकम करते हैं तो यहाँ पे आप सब कुछ देना पड़ेगा आपको, क्या किस टाइप के मतलब बिजनेस करते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन के नाम, ठीक है ना। यहाँ आपकी मम्मी अगर करती है तो आप मम्मी के लिए भी कर सकते हैं, अगर आप खुद करते हैं सेल्फ के लिए भी है। सो सोर्सेज के बारे में, अगर आप शादीशुदा हैं तो उनकी, वो भी अगर जॉब करती होगी तो उनके लिए भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पापा की कोई भी। तो यहाँ पे आप फ्रेंड जो जो हैं आपको सभी फिलअप करके लेकर जाना है जहाँ आपको मैं बताया था। तो और फिर से और एक मेन टॉपिक है, इसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी फ्रेंड। सबसे पहले तो आपको लगेगी आधार कार्ड, ठीक है। अगर आपकी नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स के भी ले सकते हैं, ठीक है। और आप सीनियर सिटीजन हैं, इसकी कोई भी एक आपके डॉक्यूमेंट मतलब आईडी प्रूफ लगेगी कि आप इंडिया के हैं, आधार कार्ड आपके लिए बेस्ट है। तो अगर आपके पास एपिक नंबर की मतलब होती है वोटर कार्ड, वोटर कार्ड रहना ज़रूरी है। अगर आपकी नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स के भी ले जा सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो पॉइंट है वो है पैन कार्ड, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स के भी ले जा सकते हैं। उसके बाद है डेट, डेट प्रूफ करने के लिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप 10 की एडमिट कार्ड भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद पे इन स्लिप, ये आप अपने पेरेंट्स के भी ले जा सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको फ्रेंड जो बताया था इनकम सर्टिफिकेट की, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रेजिडेंटल सर्टिफिकेट, जहाँ आप रहते हैं उनकी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। उसके बाद आपको ROR देना पड़ेगा, पर्ची देना पड़ेगा, और एग्रीमेंट डेट। अगर आप दलाल मीन्स ज़मीन की जो कागजात होती हैं आप जहाँ पे रहते हैं वो भी आपको लगेगी। इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि मतलब आप अगर पंचायत एरिया से, या आप चेयरमैन म्यूनसिपैलिटी पे रहते हैं अगर आप, तो काउंसिलर से आपको लिखवाना पड़ेगा कि हाँ आप इस कास्ट पे बिलोंग करते हैं, यानी आप जनरल कास्ट पे बिलोंग करते हैं, ये आपको एक लेटर पे लिखवाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन टू द फैमिली इनकम और सब। तो फिर से एक एनेक्सी आया कि आपकी फैमिली इनकम कितनी है, आइए ये एनेक्सी बी में हम लोग देखते हैं। मीन्स आपको यहाँ पे ये फिलअप करना पड़ेगा कि आप अपना पहले नाम लिखेंगे यहाँ पे, सन ऑफ आप जिसकी हैं यहाँ पे नाम लिखकर, आपके एड्रेस एड रेजिडेंटल इतना, मतलब ये आप इस कास्ट किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, मीन्स ये आप मतलब आपकी 8 लाख से अंदर आप जो हैं मतलब है कि आपकी 8 लाख से इनकम कम है एनुअल इनकम फैमिली की, ये आपको इस पे भर के आपको इसके साथ सब कुछ देंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें फ्रेंड्स, आप जब ये सब जब जमा करेंगे, आप अपने आप जिस पर प्रोसीडियर आपके बताए थे, आप अपने म्यूनसिपैलिटी या ब्लॉक एरिया में जब भी आप जमा करेंगे तो वो लोग इंक्वायरी भी करेगी आकर कि आपकी, आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं जनरल कास्ट से, आपकी इनकम इतनी है। अगर आप मान लीजिए किसी बात को अगर आप छुपाएं, मान लीजिए आप सिटी पे रहते हैं और आप सिटी पे रहते हैं, आपके गांव में बहुत सारी ज़मीन है, अगर आप उस चीज़ को हाइड करते हैं तो अगर अगर वो पकड़ लिया आपको कि हाँ अगर आप आपकी यहाँ पे आप रहते हैं और आपकी 8 लाख से इनकम आप कम शो कर दिए, अगर आप ज़मीन पे, अगर आप किसी भी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी ऐसा चीज़ अगर आप छुपाएं, अगर आप पकड़े गए तो आपके ऊपर प्लेंटी भी लग सकती है, यानी आपको एक फेक रिजल्ट, आप मतलब एक फेक सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, उनकी धारा पे आपको एक आर्टिकल्स लग सकती है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल आप ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है ना। देख सकते हैं आप ये पॉइंट को, ये पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। देखिए द अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी द ऑफर
क्लेम टू द बिलोंगिंग टू द EWS सर्टिफिकेट, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा है, देखिए द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनली सब्जेक्ट टू इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बिगिन द प्रॉपर चैनल इफ द वेरिफिकेशन रिवील द क्लेम टू बी द EWS। अगर आपकी फेक हुई अगर आप, तो आपके ऊपर इंडियन पेरेंट कोड लग सकती है फेक रिजल्ट बनाने के लिए, तो फ्रेंड्स आपको पनिशमेंट हो सकती है। तो प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिएगा। आपके पास जो ओरिजिनल डेटा है यानी जो ओरिजिनल रिजल्ट्स है फ्रेंड्स, उसी को आप अपना दिखाइएगा, शो ऑफ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ठीक है ना, तो मैंने इनकम, तो आपको EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, क्या क्या प्रोसीडियर है, आपको मैंने सब कुछ बता दिया है अब, ठीक है। तो मैंने कैसे बनाना है EWS सर्टिफिकेट सब कुछ बता दिया है। अगर फिर भी आपको दिक्कत लगे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ आज और